पर नारियल पानी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बियर भी एक्सपेंसिव है, जो भी आपको मंगाना सब एक्सपेंसिव ही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 3 एंड यस, हम लोग ने अर्ली चेकआउट कर लिया है। इसका रीज़न ये है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स एलेपी। एलेपी यहाँ से दिखा रहा है त्रिवेंद्रम, सो ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर्स। तो कल ही हमारी बात हो गई थी हमारे ड्राइवर विजय सर से भी। हेलो विजय, गुड मॉर्निंग। तो ऑलमोस्ट हमको लगेगा 3 to 4 आवर्स, काफ़ी टाइम लगेगा, शायद बीच में ट्रैफिक भी मिल सकती है, काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं इस समय यहाँ पे। और एलपी जाने के लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बेबी, हाउ यू फीलिंग? एक्साइटेड? तो लेट्स सी यार, कितना टाइम लगेगा, कितनी जल्दी पहुँचते हैं। कल ही हमको एलपी के मैनेजर का ही फ़ोन आ गया था, बोर्ड सर्विसेज वालों का, कि बी ऑन टाइम। तो हम लोग बहुत जल्दी चेकआउट कर लिए, नहीं तो यार मेरे को तो बहुत नींद आ रही थी। कल भी बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, स्पेशली वो बोट राइड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तबीयत भी काफ़ी हमारी अप डाउन हो रही है रात के समय स्पेशली, तो मॉर्निंग में रिकवर हो जा रहे लकीली। आई होप पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, यहाँ से अच्छा खासा दूर है। रिपोर्टिंग टाइम हमारा ऑलमोस्ट 12:30 PM का है, तो उससे पहले पहुँच जाए हम, क्योंकि बोट अगर डिपार्ट हो गई तो हमारी ट्रिप की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आई थिंक हमने बहुत जल्दी चेकआउट किया है, तो गूगल मैप पे भी देखा था और हमारे विजय भाई से भी एक्सपीरियंस लेके उनसे भी पूछताछ करके पता चला सही टाइम पे हम निकल रहे हैं। तो आई होप हम जल्दी पहुंचेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा सीधा एलिबी पे, और फिलहाल के लिए वीडियो पे बने रहो भाई। गाइस, ट्रिप शुरू हो चुकी है हमारी एलएपी बोट में। बोट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है हमारी, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग का दिखाना ही भूल गया, और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो यहाँ से, दिस इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस। भैया यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, पूरे इंचार्ज है हाउस बोट के, एक नंबर यार। ऐसे ना मूवीज़ में देखता था यार, मैं बहुत यूट्यूब चैनल्स पर देखा मैंने एलएपी का। और यहाँ पर क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। मैं थोड़ा सा डिले हो गया यार, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नहाया धोया उसमें फ्रेश हो रहा था, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ रहा है देखे लोगों को। कैसे लग रहा है ना? कोई नहीं कोई नहीं, ये बोट एक्सपीरियंस से भरोसा दिलाएगा तुम्हें, जल्दी रिकवर हो जाओगे। और वेदर भी काफ़ी चेंज हुआ ना, इसके कारण भी काफ़ी मुझे भी खांसी हो रखी है। बट यार बहुत अच्छे व्यूज़ है यार यहाँ पे। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे मैं देखता था यार कि एक दिन केरला जाऊंगा, एलएपी बोट हाउस के ऐसे एक्सपीरियंस करूंगा। लेकिन जो यूट्यूब पे अगर आप टीवी पे जब देखते हो और आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस करें, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस यार। ऐसे बोट पे हाउस बहुत अलग अच्छा है, रूम भी काफ़ी हमें डिसेंट मिला है, वो भी आपको वीडियो दिखाऊँगा मैं अंदर अभी कैसा है। थोड़ा सा डिले हो गया यार फ्रेश होने में, बोट हमारी जस्ट स्टार्ट हुई है, लेकिन अच्छा खासा दूर था। फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू एलेपी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स का हमारा जर्नी रहा है। सुबह हम जो 7:30 के निकले हुए हैं, ऑलमोस्ट हमको 12 बज गए यहाँ आते आते। जो थीम है इन लोगों का बड़ा प्यारा है यार, बोल्ड, कितने मस्त मस्त व्यूज़ है यार। वो देखो वहाँ पे यार, वो देखो, वो शाही राजपूत वाले जूते नहीं रहते जिनकी नोक ऐसी रहती, वैसा दिख रहा है वो वाला तो यार। ये देखो भैया, वाओ यार, इट्स टू गुड। ये आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, अगर आप यहाँ से स्टेयर से अगर ऊपर जाओगे
तो वो प्रीमियम इकोनॉमी का है। और यस क्राइस्ट की फ़ोटो बड़ी खूबसूरत। और अंदर की तरफ जाओगे तो ये रूम्स हैं इकोनॉमी के, और ऊपर प्रीमियम का मैं हो सके तो कवर करूँ अगर जाने का चांस मिला तो। अंदर हमारा रूम है इस साइड में। यार चाहता तो यार ऊपर वाले ले सकते थे प्रीमियम, द रीज़न भी ये तो मेक माई ट्रिप ने ऑलरेडी अलोकेट करके हमें दिया था, नहीं तो हम पक्का 100% लिया कर डेफिनेटली मैं प्रीमियम लेता था यार, नो डाउट। गाइज हमने इस समय ब्रेक लिया हुआ है एलपी बोट पे, ड्राइवर ने यहाँ पे बोला ऑलमोस्ट एक घंटे का ब्रेक लेने वाले हैं, तो जिसको जो फिश लेनी है या किसी को चाय पीना है या कोल्ड ड्रिंक लेना है, अगर बोट वाले बोल रहे थे कि सर आपको बियर मंगाना है बियर ही मंगा सकते हो, वाइन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं एरिया को स्पेशली देखूँ ना ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इस साइड में अगर आप देखोगे ना पूरा एक नारियल पेड़ का ऐसे लाइनअप है, और वो जो आप देख रहे हैं एंगल में यहाँ से लेके जो मेरे पीछे दिख रहा है, और जो स्पेशली इस तरफ जो पीछे दिख रहा है, यहाँ पर जितने एलईपी हैं हर जगह के सब आके रुक रहे हैं, एक हॉल्ट है, जैसे एक स्टेशन की तरह हॉल्ट है यहाँ पे। और स्पेशली अभी हमने यहाँ एक नारियल पानी पिया, नारियल पानी का 120 रुपये में थे यार, मैं खुद पूना से बिलोंग करता हूँ तो नारियल पानी हमारे इधर तो वही 100 रुपये का आता है या तो कभी कभी 90 रुपये का आता है यार, डिपेंड अपॉन द साइज। पर मैंने केरला एलपी में एटलीस्ट केरला में स्टेट जैसे मैं एक्सपेक्ट किया कि समवेयर अराउंड 60-70 रुपये में सस्ता मिलेगा, पर ऐसे यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो अच्छा खासा डबल रेट है, क्योंकि टूरिस्ट वाले प्लेस पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको प्राइस अच्छी खासी पे करनी पड़ेगी। जो बोट हमें लेकर आई है वहाँ पर उनका एक मैनेजर था तो बोल रहा था अगर आपको बियर पीनी है तो वो 300 रुपये लगेंगे, तो अच्छा खासा पैसे लेने की पूरी प्रक्रिया चल रही है जी। जिसको अगर एक्चुअली पीना है लेना है तो कर सकता है भैया जिसको लेना है, पर मेरे हिसाब से इतना कोई वर्थ नहीं रहेगा, जैसा चल रहा है चलने दें। आपको बोट में लंच डिनर ऑलरेडी मिल ही रही है फ्री में, और ब्रेकफास्ट कल हमको सुबह मिल ही जाएगा फ्री में, तो ओवरऑल अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आप बाहर से कुछ मत लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बीट नारियल पानी से लेकर छोटी मोटी चीज़ें भी, जो चिप्स नॉर्मली जो 20 रुपये का आता है आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे, जो 50 रुपये का चिप्स आता है उसके 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा अगर आप बोट पे चढ़ने जा रहे हो पहले लेकर सब पहुंच जाइए, तब जाके आपके पैसे बच जाएंगे। टू ऑन अ सीरियस नोट, ये आपके पैसे बचाने के तरीके हैं। और आगे वो चल रहा है, दिखाता हूँ धीरे धीरे आगे आगे और है क्या इसमें। लंच भी काफ़ी अच्छा हो गया है हमारा, वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा खाना है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा खाना है, यहाँ पे फिश मिलता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, और रात को डिनर में शायद चिकन मिलेगा हमें। ऑलराइट गाइस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब तक थोड़े आके मोमेंट्स एंजॉय कर लेता हूँ।
फाइनली फ्रेंड्स हमारा एलएपी का ट्रिप ये वीडियो में अभी यहीं क्लोज करता हूँ। रीजन बीन अभी 8 बजे हमारा होगा डिनर एंड डिनर के बाद हम लोग अपने अपने रूम पे आ जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ ये एलएपी हाउस बोट ट्रिप के बारे में। जैसे कि अगर आप यूट्यूब में देखोगे जैसे दिखाया जाता है, जैसे आप एक्चुअली में देखोगे इट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप जाओगे तो बहुत एंजॉयमेंट रहता है, क्योंकि जो ट्रिप हमारी जो बनाई गई है वो मेक माई ट्रिप लोगों के द्वारा बनाई गई है, उस पर लिखा हुआ था एलएपी इकोनॉमिक हाउस बोट करके। तो इन लोगों का कैसा ना इकोनॉमिक हाउस बोट में, आपको जो ये हाउस बोट है एक सामने से बंदा चलाता है और ये एक फर्स्ट फ्लोर का रहता है, फर्स्ट फ्लोर एक ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। जो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर लेना चाहोगे तो वो लोग कहते हैं वो प्रीमियम है, अगर आप नीचे रहोगे तो इकोनॉमी में कहलाया जाता है। डेट इज ऑल्सो फाइन, चलो जैसा भी है, पर इनका ये कहना है इकोनॉमी हो आप लोग तो जो एसी है रूम का, जो एसी है फिलहाल यहाँ इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर वो जो फैन नहीं रहते वो 3 पंखे वाले छोटे वाले जो घूमते हैं वो वाला चल रहा है फिलहाल दोपहर से। एंड अगर आप सो सकते हो इस गर्मी में, अगर हम लेक के साइड से गुजर रहे हैं तो कितनी गर्मी हो रही होगी, सीरियसली बता सकता हूँ। और जो इन्होंने कहा है जो एसी का जो टाइमिंग है वो रात के 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक चलेगा, क्योंकि आप इकोनॉमी में आते हो। हाँ, अगर आप प्रीमियम में जाना चाहते हो एक्स्ट्रा आपको 1-2 हजार रुपये भरना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे कोई ऑफर है तो हम उसमें आपको कर सकते हैं एडजस्ट, फिलहाल कोई ऑफर नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बोट में आए नहीं है। हार्डली 3 ग्रुप है हमारे साथ जो फिलहाल इस बोट में चढ़े हैं, एक कुछ 4-5 बच्चों का ग्रुप है, मैं मेरी वाइफ एज एन कपल और भी एक कपल है और एक फैमिली का ग्रुप है वो भी 2 लोगों का, बस इतने ही लोग हैं फिलहाल इस बोट में। तो इसलिए हमें ऊपर को ऑफर कर रहे थे वो। प्रीमियम का ये खासियत हो जाता है कि वहाँ एसी चलेगा 24 घंटे क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, बस इतना ही खासियत है यहाँ पे। और खाना है आपका वेज नॉन वेज में, खाना डिसेंट लगा मुझे अभी तक, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डैट इज ऑल ओके। लेकिन हाँ, थोड़ा सर्विस की अगर आप बात करोगे काफ़ी ज़्यादा इशू है यहाँ पे, कुछ कुछ लोग आपको काफ़ी रूड लगेंगे यहाँ पे और कुछ आपसे अच्छी तरह बातें करेंगे ऐसा। लेकिन मैंने अब तक जितना देखा 60% आर क्वाइट रूड, आपसे बात नहीं करते इतना, वो आपको समझ भी नहीं पाते, आप इंग्लिश में बात करो हिंदी दैट्स नॉट अ कंसर्न। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो काफ़ी आपको सुनना चाहते करना चाहते वो भी एक अलग बात है। बट यस, ओवरऑल एलएपी ट्रिप के बारे में इतना है कि बस एक जो बोट चल रही है वो आपको लेके जाएगी एक जगह पे, शाम को 4 बजे आपको कहीं एक लोकेशन पे रख देगी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा रहेगा। वहाँ पर नारियल पानी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बियर भी एक्सपेंसिव है, जो भी आपको मंगाना सब एक्सपेंसिव ही है। जो खासियत है केरला की जो ऐसे स्पेशल जगह है नारियल पानी रहता है, हम सोच के चलते 30-40 रुपये का होगा पर ऐसा कुछ नहीं है, वो और आपको डबल रेट में बेचा जाता है। माना कमाना चाहते हो लेकिन ये हद से ज़्यादा कमाई हो जाती है, 60-70 रुपये का नारियल पानी बेचोगे एक, वो भी ज़्यादा पानी नहीं रहता उसमें, तो क्या ही बात रह जाती है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा हमारी जो एलएपी की ट्रिप है, ये जो हाउस बोट की जो ट्रिप है, मैं फिलहाल कहूँगा बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड वाला रहा है, इतना कुछ खास नहीं रहा एलएपी का, मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा। मैं कल का ज़्यादा वेट कर रहा हूँ मुन्नार का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट राइड म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, काफ़ी कुछ देखने लायक रहेगा, मैं उसका ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। जो एक्चुअली एलएपी हाउस बोट की जितनी तारीफ होती थी उतना है नहीं, क्योंकि हमको मिला है इकोनॉमी टाइट इज ऑल्सो फाइन, हमें बोला जा सकता था, क्योंकि और भी इतने सारे मैंने एलपी बोर्ड देखे वो थोड़े हाई लेवल के थे, जिसमें खुद का प्राइवेट भी था, प्रीमियम वाले एलपी घूम रहे हैं, बहुत कुछ वैरायटी ऑफ एलपी हाउस बोर्ड देखे मैंने सीरियसली। और उनमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी, किसी किसी में टीवी है, किसी में ओपन स्पेस दे रखा है, और जो हमें बोट मिली है मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरफ से पैक्ड हैं, हम अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी की उम्मीद नहीं है हमें, बस हम रात रात निकाल रहे हैं अपना और बस सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, हमको हमारे ड्राइवर जगह पे मिलेगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी एंड हम लोग मुन्नार के लिए निकल जाएंगे, जो यहाँ से फिलहाल 3 घंटे के रास्ते पे, और हमारा होटल का चेक इन 1 बजे का, फिर हम मुन्नार का ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो मैं लोगों को सजेशन करूँगा, क्योंकि ये तो मेक माई ट्रिप से था, चलो मैं इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप खुद से कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके जाना है एलएपी हाउस बोट के बारे में, क्योंकि हर बोट की अलग अलग खासियत है सीरियसली। अगर लेना है तो प्रीमियम लोगे तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तब एसी आपका 24/7 देंगे, नहीं तो ये आप कितने भी गर्मी में तड़प रहे हो, हीट हो रहे हो, ये आपको एसी 9 बजे तो मतलब 9 बजे ही चालू करके देंगे, उससे पहले स्टार्ट होने नहीं देंगे। और ये शाम को बोट लग जाती है किनारे पे, एक जगह पे रुक जाती है, 6 बजे हॉल्ट हो जाती है, उसके बाद ये बोट बिल्कुल नहीं हिलेगी सुबह तक, जब तक सुबह नहीं होगी आपको यहीं सोना है,
यहीं आपको जहाँ घूमना है घूमने के लिए एक्चुअली कुछ है भी नहीं यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। एक बिल्कुल ही किनारे पे खड़े हैं, सामने सिर्फ नारियल पेड़ है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं फिलहाल ट्रिप कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि केरला ट्रिप कर रहा हूँ मैं तारीफ ही करते रहूंगा, मैं तो हूँ ऑनेस्ट आदमी, जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ना मैं कोई टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कोई गलत फहमी होनी नहीं चाहिए जब वो अगली बार कोई ट्रिप में आ रहे हैं। मैं आपको जेन्युइन फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो मैं लोगों को कंसिडर एलएपी जो हाउस बोट है ना ही करो तो बेटर है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वो शाम तक हो रहा है, काफ़ी लेक भी इतना कोई साफ सुथरा नहीं है जैसे श्रीनगर के भी थे, वो हरे हरे पत्ते आपको पानी में इतना सब देखने मिलेंगे वही सब ही है। बोट काफ़ी ज़्यादा स्लो नॉट्स में चलता है और एक जगह वो लोग हॉल्ट हो गए और हॉल्ट के बाद भी ऐसा कुछ खास नहीं है, वहाँ पर भी जो लोग उनके एरिया में दो तीन छोटे छोटे से कैफे से बने हुए हैं, जैसे राशन की दुकानों में तक चिप्स मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, फ्रूटी मिलता है, और इस साइड में मछली की दुकानें हैं, और जो रेट्स है वो लोग डबल डबल लगा के दे रहे हैं कस्टमर को ताकि वो खरीद ही ना सके। भाई टू बी ऑनेस्ट, एक लेस का पैकेट में 30 रुपये का 50 में दे रहे हो, एक बियर जो बाहर 125 का आता वो 300 रुपये में दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जहाँ 20-25 रुपये का आता वो भी 50-60 रुपये में दे रहे हो, तो क्या ही बात होगी, कोई क्यों ही खरीदेगा। अगर आपको वाकई जाने की इच्छा है तो खुद से बाहर से कुछ खरीद के आइए, अपना अच्छा बैग पैक भर लो खाने पीने से, तो या बोट पे खा लोगे तो बेटर है। बाहर से कुछ भी मत खरीदना यहाँ से जहाँ से बोट वाले लेके जा रहे, नहीं तो पूरे लूट जाओगे, टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट गाइस, आज का दिन ही हम खत्म कर रहे हैं एलएपी हाउस बोट का। मैं तो पहले कह चुका हूँ इट वॉज ओके हाउस बोट ट्रिप, जो फर्स्ट टाइम कभी बोट में गए नहीं उनके लिए जा सकते तो चले जाओ, पर मेरी नज़र में तो लाइक इट वॉज टोटली ओके। हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली कहें ना डिसअपॉइंटेड है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा उम्मीद हमें मुन्नार से है, लेट्स सी मुन्नार हमारा अच्छा जाएगा, त्रिवेंद्रम हमारा काफ़ी अच्छा गया, पर एलएपी इट वॉज नॉट सो गुड टू बी ऑनेस्ट। ओके गाइज, मिलता हूँ आपको कल परसों जब भी वीडियो अपलोड करूँगा मैं, और नाउ बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है एज यूजुअली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, रेस्ट करूँगा यार, मिलूँगा आपको कल, और नाउ बाय एंड टेक केयर।